स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। खबर सुपौल से है, जहां जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत जरिया थाना क्षेत्र में एसडीएम एसजेड हसन ने शादी से आ रहे बारातियों वाली वाहन चेकिंग कर शराब सहित 4 पियकरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि सूचना मिली कि सिंहेश्वर से वापस लौट रहे बारातियों वाली वाहन जो सिलीगुड़ी जा रही है उसमें शराब के साथ पियकर मौजूद है। वहीं जब जदिया थाना के सामने बारातियों वाले वाहन को रोककर पुलिस बल के साथ चेकिंग किया गया तो पाया गया कि उनमें से 4 लोगों ने शराब पी रखी है और उनके पास से शराब भी बरामद हुआ। चारों शराबियों को गिरफ्तार कर आगे कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वाहन चेकिंग के दौरान SHO राजेश चौधरी, त्रिवेणीगंज SHO संदीप कुमार सिंह सहित दर्जनों महिला पुरुष बल मौजूद रहे। एक तरफ जहां बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, वहीं शराब बेचने वाले पीने वाले रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब देखना लाजमी होगा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे शराबबंदी अभियान कब तक सफल हो पाता है। हाँ, सूचना मिली थी कि जो ये बस है बराती पार्टी है और इस पे शराब पीने की सूचना थी कि शराब पी के कुछ लोग जा रहे हैं। उसी तहत हम लोगों ने इसको चेज किया त्रिवेणीगंज से और जदिया में ये पकड़े गए और फिर इसके थाना में हम लोगों ने चेकिंग किया। लगभग 50-60 की संख्या में बराती थे, उसमें 4 लोग नशे की हालत में ब्रेथ एनालाइजर से चेक होकर पकड़े गए और 2 बैग में एक खाली बोतल और एक बिसलहरी का 250 ml का जो पानी का बोतल है होता है उसमें दारू पाया गया है। कहाँ की ये बस थी? ये बस बिहार की है, लेकिन बारात सिंहेश्वर गया था, सिलीगुड़ी से बारात आया हुआ था और रात में शादी थी और वो वापस जा रहे थे सिलीगुड़ी, और जो भी पिए हुए हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बाकी आगे कानूनी कार्रवाई होगी